हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बी6 बाय सुमन नेगी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट। इससे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैंने डी ब्लॉक के रंग को याद करने की ट्रिक बताई थी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह है एफ ब्लॉक पार्ट वन। अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया था अलग अलग खंडों में, तो इस आधार पर किया गया था कि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है। तो इसी आधार पर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश करेगा, ठीक है, एफ कोश में प्रवेश करेगा, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एफ ब्लॉक तत्व कहलाएगा। तो कोई भी तत्व का अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाएगा तो वो एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्लियर करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, और आज ही की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जा रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एफ ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है लेकिन एफ ब्लॉक होता कहां पर है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 एफ उपकोश में प्रवेश करता है। इसका मतलब है जो एफ उपकोश जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सबसे बाहर वाले से दो कोश अंदर है। N-2 का मतलब है, N मतलब सबसे बाहर वाला, -2 मतलब सबसे बाहर वाले से दो कोश और अंदर है। तो F उपकोश जो है वो कहां प्रेजेंट रहता है, सबसे बाहर वाले से दो कोश अंदर। देखिए कैसे, देखिए मैंने इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैंने तीन कोश बनाए हैं और बीच में मैंने एक न्यूक्लियस दिखाया है। तो इसमें आप देखिएगा, सबसे बाहरी वाले कोश को मैंने N नाम दे दिया, उसके अंदर वाले को N-1 और इसके सबसे अंदर वाले को N-2। ठीक है, सबसे बाहर वाला होता है S, उसके अंदर वाला डी और सबसे अंदर वाला क्या है, एफ। इस समय कंडीशन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एफ हमें ढूंढना है कि वो एफ उपकोश है कहां। तो एफ उपकोश देखिए सबसे बाहर वाले से दो कोश अंदर, तो 1-2-3 अगर बाहर से काउंट करें तो 1-2-3 थर्ड नंबर पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ की लोकेशन क्या है, सबसे बाहर वाले एन वाले से दो कोश अंदर, तो N-2 एफ लिख दिया। ठीक है, तो जहां इलेक्ट्रॉन गया N-2 उपकोश, इसको हम कहते क्या है, तो N-2 उपकोश को बोलते हैं आंतरिक उपांतिम कोश या इनर पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है, तो आप कहोगे आंतरिक उपांतिम कोश में। देख, आपको समझ में नहीं, मैं आसानी हूं इसलिए मैं सारी चीजें क्लियर कर देती हूं। सबसे बाहर वाले कोश को बोला जाता है अंतिम कोश, बोलते हैं ना अंतिम कोश, ये अंतिम कोश है। इसके अंदर वाले को बोलते हैं उपांतिम कोश, अंतिम से जस्ट अंदर वाला उप अंतिम, अंतिम से पहले वाला उपांतिम। तो ये है अंतिम कोश, सबसे बाहर वाला, उससे अंदर वाला होता है उपांतिम। इस उपांतिम से भी अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस उपांतिम से भी अंदर वाले में जा रहे हैं, तो ये हो गया आंतरिक उपांतिम कोश या इनर पेनल्टीमेट सेल, इसको बोलते हैं। ये हो जाएगा लास्ट सेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पेनल्टीमेट सेल उपांतिम कोश, और ये हो जाएगा इनर पेनल्टीमेट सेल या फिर आंतरिक उपांतिम कोश। तो आपको मैंने बता दिया किसे क्या नाम दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश कर रहा है N-2F में, जिसे हम कहेंगे आंतरिक उपांतिम कोश। तो N-2F उपकोश, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आंतरिक उपांतिम कोश में प्रवेश करने के कारण इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व की अगर हम बात करें, संक्रमण तत्व हम किन्हें कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व को कहते हैं। और डी ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करते हैं, यहां करते हैं ना, उपांतिम कोश, इस कोश को बोलेंगे उपांतिम कोश। तो डी ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं डी वाले में, उपांतिम कोश में जाते हैं, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उपांतिम से भी अंदर वाले में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, और ये जो एफ ब्लॉक है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, संक्रमण तत्व से भी अंदर वाली कोश में जा रहे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व में इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं। तो एफ ब्लॉक तत्वों में कहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, संक्रमण तत्व में जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अंतर वाले में, अंदर वाले में, तो इसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण
तत्व इन्हें कहा जाते हैं। तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी आता है कि एब्लॉक तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष, मतलब जहां संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, उपांतिम कोष में जाता है, तो इनका इलेक्ट्रॉन उपांतिम से भी अंदर, मतलब संक्रमण तत्व में इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है उससे भी अंदर वाले में जा रहे हैं, इसलिए इनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसके अलावा एक रीजन और है जो हमने बहुत पहले पढ़ा था कि ये जो हमारे ए ब्लॉक के सभी तत्व हैं, ये पहले शुरुआत में जब आवर्त सारणी आई थी ये डी ब्लॉक में ही रखे गए थे, डी ब्लॉक के ही ये एलिमेंट थे, बाद में इनको हटा के एक अलग श्रेणी बना दी गई, इसलिए भी इनको कहा जाएगा क्योंकि ये संक्रमण तत्व में पहले रखे गए थे, संक्रमण तत्व के अंदर के ये तत्व हैं, इसलिए इनका नाम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें संक्रमण तत्व से हटा के हमने एक अलग श्रेणी बनाई है। अब हम बात करते हैं एब ब्लॉक तत्वों की श्रेणियां। तो एब ब्लॉक तत्वों की कुल दो श्रेणियां हैं, मतलब इसमें ब्लॉक नहीं है, इसको खंड में विभाजित नहीं कर सकते। तो एब ब्लॉक की हम अगर जैसे आपको देखा है एस ब्लॉक में दो वर्ग होते हैं, पी में छह वर्ग होते हैं, डी में दस वर्ग होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार एफ में वर्ग नहीं होते, एब ब्लॉक में हम पढ़ेंगे श्रेणियां बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ए ब्लॉक को हमने जो डिवाइड किया पढ़ने के लिए वो दो श्रेणियों में डिवाइड किया, सीरीज में डिवाइड किया, एक को बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी जिसे हम 4F श्रेणी भी कहते हैं, 4F श्रेणी भी इसे हम कहते हैं, और दूसरी है एक्टिनाइट श्रेणी जिसे हम 5F श्रेणी भी कहते हैं। बस उतना ही समझ लीजिए, इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो 4F में प्रवेश करता है लेंथेनाइट श्रेणी में, और इनका एक्टिनाइट श्रेणी में सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ श्रेणी में प्रवेश करेगा। 4F 5F श्रेणी जो हमारा एब ब्लॉक के अंदर हमें पढ़ना है, एब ब्लॉक की एक जनरल सी डिटेल मैंने आपको बताई, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दी। अब एब ब्लॉक की जो पहली श्रेणी है जिसे लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, लेंथेनाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि लेंथेनाइट श्रेणी में अगर हम बात करें तो इसमें लेंथेनम के बाद के जो 14 तत्व हैं, लेंथेनम तत्व है LA, इसके बाद के जो 14 तत्व हैं उनको हम बोलते हैं लेंथेनाइट, लेंथेनाइट्स कहते हैं, ठीक है। इस श्रेणी में आता है सीरियम 58 से लेके ल्यूटेटियम 71 तक के कुल 14 तत्व आते हैं। आपको ध्यान रखना है इस लेंथेनाइट श्रेणी में केवल 14 तत्व हैं जो कि सीरियम 58 से लेके ल्यूटेटियम 71 तक होते हैं, ठीक है। तत्व लेंथेनम जो LA है, लेंथेनम से भौतिक व रासायनिक गुणों में समानता रखने के कारण इन्हें लेंथेनोन या लेंथेनाइट श्रेणी भी कहा जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है, लेंथेनम जो पहला तत्व LA हम बोलते हैं लेंथेनम, ये एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, यह आपने ध्यान रखना है। लेंथेनम LA जो होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, इसलिए वो डी ब्लॉक का है, ठीक है। वो संक्रमण तत्व में रखा गया है, वो डी ब्लॉक श्रेणी का तत्व है, वो एफ ब्लॉक का नहीं होता। केवल इसको, इस श्रेणी का नाम लेंथेनाइट श्रेणी या लेंथेनोन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लेंथेनम है LA, जो तत्व है लेंथेनम LA, इसके जो गुण होते हैं वो इसके बाद के जो ये 14 तत्व हैं सीरियम से लेके ल्यूटेटियम के तक, इन सभी तत्वों के गुण जो हैं वो लेंथेनम से मिलते हैं, इसलिए इन श्रेणी का नाम लेंथेनाइट श्रेणी या लेंथेनोन इनको कहा गया है। वरना लेंथेनम तत्व जो है वो डी ब्लॉक में ही होता, वो एफ का नहीं है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। केवल 14 तत्व हैं सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक लेंथेनाइट में। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें 4F श्रेणी तत्व कहते हैं, ठीक है। लेंथेनोन क्यों कहते हैं, लेंथेनाइट क्यों कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि वो लेंथेनम से समानता रखते हैं। अब दूसरा नाम आता है इस श्रेणी को, हम 4F श्रेणी भी कहते हैं। तो 4F श्रेणी क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहां प्रवेश कर रहा है, हम जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4F श्रेणी में प्रवेश कर रहा है, इसलिए भी इन्हें 4F श्रेणी का तत्व कहा जाता है। एक दो एक्सेप्शन है, उसके अलावा एक दो अपवाद है, उसके अलावा सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी की सतह पर देखिए, अगर शुरुआत की बात करें, शुरू में जब इन्हें खोजा गया था तो ये पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में मिलते, बहुत ट्रेसेस मतलब बहुत कम मात्रा में मिलते थे, दुर्लभता के साथ मिलते थे। तो बहुत कम मात्रा में इन्हें मिलने के कारण इनको बोल दिया गया कि ये दुर्लभ मृदा तत्व है, मिट्टी के अंदर से मिलते थे तो मृदा तत्व बोल दिया गया। तो ये होते थे रेयर अर्थ एलिमेंट, इनके एक्सपेरिमेंट लैब में बहुत कराए जाते हैं, लेकिन ये है कि अब वर्तमान में बहुत ज्यादा ये मिलते हैं तो इनको दुर्लभ मृदा तत्व अब नहीं कहा जाता। बट शुरू में जो नाम दिया जाता वो मैं आपको बता देती हूँ,
क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों दुर्लभ मृदा श्रेणी में आते हैं, तो दुर्लभ मृदा तत्व की ये प्रथम श्रेणी है, तो दुर्लभ मृदा तत्व की प्रथम श्रेणी भी इन्हें कहा जाता है, या फर्स्ट सीरीज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है, लेंथेनाइड्स को। अब लेंथेनाइड श्रेणी में कुल मैंने बोला था 14 तत्व है, तो वो कौन कौन से है, तो वो है सीरियम 58, पीआर, प्रोसियोडाइमियम 59, नियोडाइमियम एनडी है, नियोडाइमियम 60, प्रोमीथियम 61, सिमारियम 62, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65, डिस्प्रोसियम 66, होलमियम 67, अर्बियम 68, थुलियम 69, इटरबियम या इटरबियम लिखा होता है, इटरबियम 70 और ल्यूटेटियम 71। तो टोटल 14 एलिमेंट है सीरियम से लेते ल्यूटेटियम तक। लेंथेनम के केवल भौतिक व रासायनिक गुण मैच करते हैं, और लेंथेनम संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का तत्व है, ए ब्लॉक का नहीं, ये आप याद रखें। अब हम बात करते हैं लेंथेनाइड तत्वों की क्या क्या विशेषताएं हैं, सामान्य विशेषताएं। तो सबसे पहले प्राप्ति स्थान की बात करते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो लेंथेनाइड तत्व जो है वो पहले मैंने बोला था कि रेयर अर्थ एलिमेंट बोला था, दुर्लभ मृदा तत्व, मृदा मतलब पृथ्वी के अंदर से मिलेंगे। तो लेंथेनाइड तत्व पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं, पूर्व में ये कम मात्रा में मिलते थे इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में अब ये बहुतायत में मिलने लग गए हैं, जिस वजह से इनको दुर्लभ मृदा तत्व अब नहीं कहा जाता। तो लेंथेनाइड तत्वों की अगर बात करें तो एक तत्व है प्रोमीथियम, जो कि प्रोमीथियम 61 पीएम, ये रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव होने के कारण वो अस्थाई है। आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अल्फा बीटा गामा किरणें उत्पन्न करते हैं और ये टूटते रहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व टूटेगा दूसरे तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अस्थाई होता है, ठीक है। और अधिकतम तत्व जो होते हैं लेंथेनाइड के, ये संयुक्त अवस्था में मिलेंगे, खनिजों के रूप में पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, और ये इतने ज्यादा आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं कि इनको एक दूसरे से पृथक करना बहुत टफ होता है। जब ये जिस रूप में मिल रहे हैं खनिज के रूप में, इनको एक दूसरे से पृथक करना क्या होता है, बहुत ज्यादा टफ रहते हैं, लेंथेनाइड का पृथक्करण करना बहुत मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल है। और जो इनके विन्यास दिए गए, एक तो दो टाइप के दिए गए, एक तो प्रेडिक्टेड है प्रागुक्त और दूसरे हैं ऑब्जर्व्ड अवलोकित। काफी डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो है ऑब्जर्व्ड वाला जो ज्यादा सही है, अवलोकित वाला जो ज्यादा हमें लगता है एक्यूरेट है। मैं एक्यूरेसी वाला बताऊंगी, एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके जटिल है, क्योंकि इनके अभी तक सही एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए अभी भी प्रिडिक्ट नहीं है। लेकिन हमें जो मिला है जो बुक्स में, या जो ज्यादा साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करके जो फाइनल इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं, वो हम जरूर बताएंगे। बट उसमें भी 100% श्योरिटी नहीं है, बुक में वही मेंशन है तो हम वही बताएंगे, तो देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एले से लेके, एले तत्व नहीं है बट आप लिख लीजिए, एले से लेके ल्यूटेटियम तक 71 तक पूरा लिख लीजिए, ठीक है, विन्यास, सॉरी एटॉमिक नंबर और एलिमेंट के सिंबल प्रतीक। इसके अलावा मैंने नाम लिख दिया है लेंथेनम, सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, ठीक है, ये सबके नाम मैंने इसमें दे दिए हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है, आपने क्या करना है, आप सभी तत्वों के आगे से जीनोन जरूर लिख लें, मींस जीनोन तक का विन्यास जो है 54 तक का विन्यास जीनोन की तरह होगा, शॉर्ट करने के लिए। अब आप क्या कीजिए, लेंथेनम के आगे 4F नहीं लिखिएगा, 4F5D6S, यहां 4F नहीं लिखिएगा, बाकी सब जगह लिख दीजिए 4, 5, 6 करके ऐसे लिख दीजिए, 4F5D6S, सभी में चलेगा ये, सेम लिख दीजिए, सेम लिख लीजिए सभी में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत आसान है, इनके यहां से काउंट करके करना है। आपको क्या करना है, 6S में सभी जगह दो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, सभी में 6S में सबसे बाहर वाले में दो इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए। तो मैंने फर्स्ट काम जो किया है वो है 6S में सभी जगह मैंने दो इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, आप भी यही कर लीजिए।
करने के बाद अब आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है, ठीक है। बस याद रखना लेंथेनम में आप 4F मस्ट शो कीजिएगा क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो लेंथेनम में 57 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 54 विन्यास तो हमने लिख दिया जिनोन का, इसका मतलब है कि 54 तक, 54 तक का विन्यास जिनोन की तरह होगा। तो बचा कितना, 54 के बाद 57 भरने हैं ना, 54 के बाद 55, 56, 57, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल यहां कर लिए, तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर ले। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहां चला गया, डी में, तो ये तो डी ब्लॉक का है। अब ये जो है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो डी में इलेक्ट्रॉन मत भरिएगा। तो इलेक्ट्रॉन 6s में जाएंगे और सीधे 4f में भरेंगे, ठीक है। इसलिए भी क्योंकि 4f की ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होगी, 4f की कम रहती है 5d की तुलना में, तो 4f में इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, ठीक है। कंडीशन क्या है, 4f और 5d की ऊर्जा में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन 4f की ऊर्जा थोड़ी कम होती है 5d की तुलना में। तो रूल ये कहता है कि जिसकी ऊर्जा कम है उसको पहले भरो, तो 4f को हम पहले भरेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग करते हैं, यहां 58 भरने हैं, 54 इसका विन्यास हो गया, बचे कितने, 55, 56, 57, 58, 58 है ना, 54 इसका विन्यास हो गया, 55, 56, 57, 58, 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, 2 यहां भर लिए, कितने हो गए 54 के बाद 55, 56, बचे कितने 57, 58, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4f में भर लीजिए। फिर ऐसे यहां भी कीजिए, 59 है तो 2 यहां भर लिए, तो कितना आ जाएगा, यहां 3 आ जाएंगे, सिंपल। यहां 2 है तो यहां कितने आ जाएंगे, 4, ये करते जाइए, ऐसे गिनते भी जाइए ना। टोटल जैसे 61 है, 61 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 54 यहाँ जिनोन के 54 भर चुके हैं, जिनोन का विन्यास मतलब 54 हमने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, जिनोन का परमाणु क्रमांक होता है 54, 54 ये भर लिए, 55, 56, बचा कितना 57, 58, 59, 60, 61, तो भर लिए ना 5। अब ऐसे करते जाइए, यहाँ कितने भर लेंगे 6, फिर वैसे यहाँ 2 भरे हैं, यहाँ कितने भर लेंगे 7। देखिए यहाँ भरते जा रहे हैं ना परमाणु क्रमांक, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कर रही हूं मैं। जैसे यहाँ है 64, 64 भरने हैं, तो 54 तो जीनोन का हो गया, 55, 56, बचे कितने। अब यहाँ की क्या कंडीशन है, यहां मैं एक कंडीशन बता रही हूं, जैसे 4f में 7 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भर जाए, यहां देखिए डी में एक काम कीजिए, 0 दिखा दीजिए, वरना थोड़ा सा अजीब लगेगा, 0 हम शो कर लेते हैं। तो 4f में जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक कंडीशन आती है, मैं पहले भी बता चुकी हूं, तो वो कंडीशन ये है, देखिए जब 4f में 7 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 7 भर चुके हैं मतलब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड स्टेज, अर्ध पूरित अवस्था। तो जब ऐसी कंडीशन हो सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, सभी डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये बहुत ज्यादा स्थायी कंडीशन होती है और हर एक तत्व चाहता है कि मैं स्थायी बना रहूं। तो नेक्स्ट वाली कंडीशन में क्या होता है, नेक्स्ट वाली कंडीशन में अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए, जैसे 7 आए, अब कितने आ जाने चाहिए 8, तो 8 जैसे आएंगे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो सारे डिब्बे में अभी तक क्या क्या थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो स्थाई था, लेकिन जैसे ही एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी में सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थाई, मतलब एक डिब्बा थोड़ा अलग हो गया और बाकी डिब्बे एक से है, मतलब सारे डिब्बे एक से हैं तो ये स्थाई है, लेकिन एक भी डिब्बे में अलग कंडीशन आई तो ये हो जाएगा अस्थाई। तो अब ये कंडीशन क्या आएगी, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी में एक एक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अस्थाई। तो ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास ना आए, तो ये जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए 8वां इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देते हैं, ये जो खाली डिब्बा है डी, एक इलेक्ट्रॉन या 8वां, जो 8वां इलेक्ट्रॉन है 7वें के बाद, यहां 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा, वो वापस इसी को कर देते हैं, डी को दे देते हैं, तो ये अपने पास 7 ही इलेक्ट्रॉन रहने देते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा था उसको कहां दे देते हैं, डी में दे देते हैं। और ये भी कंडीशन केवल इसलिए आ रही है क्योंकि वो स्थायी बनना चाहता है गैडोलिनियम। तो ये एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, जिसमें ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज देता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आगे को भी चलते हैं। 65 है, ठीक है, 65 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 54 यहां भर चुके हैं, 55, 56, अब बचे कितने, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, तो 9 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भर दिए, ठीक है। अब नॉर्मल वाली कंडीशन चलेगी। अब आप कहोगे क्यों हम 2 इलेक्ट्रॉन भी भेज सकते हैं, नहीं, एक टाइम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भेजा जा सकता है, इसलिए यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया और यहां 7 इलेक्ट्रॉन रख के इसको स्थायी बना दिया। अब यहां पर जैसे एफ में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े वाले हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ जंप नहीं किया जा सकता,
तो यहां पर वो केस नहीं लगेगा। ठीक है, फिर वही है, नौ है, फिर क्या हो जाएगा, वैसे ही बढ़ाते जाओ, दो इलेक्ट्रॉन तो यहां भरे, यहां दस हो गए, फिर ऐसे होगा यहां ग्यारह, ये भी गिनते जाइएगा, इलेवन, ऐसे यहां क्या हो जाएगा, ट्वेल्व, फिर यहां कितना भर जाएगा, तेरह, इधर कितना आ जाएगा, चौदह। अब ये फिर से वही कंडीशन आ गई, फोर एफ फोर्टीन, फोर एफ फोर्टीन ये वाला केस आ जाएगा, फोर एफ फोर्टीन मतलब हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो कंडीशन ये है कि सारे ऑर्बिटल में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन है तो ये भी ये कहलाता है पूर्ण पूरित अवस्था। फोर एफ ये कंडीशन क्या है, फोर एफ फोर्टीन, फोर एफ में पूरे के पूरे भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, दो 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 करके गिनोगे तो चौदह इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सी स्थिति होती है, पूर्ण पूरित, पूरित जब पूरा पूरा भरा हो तब भी ये स्थाई होता है, तो 4f में जब 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरित है, और तब भी ये सोचो अब f में जगह भी नहीं बची, तो इसके बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो 71 वाले केस है, अब ये पूरा भर चुका है, तो जब ये पूरा भर जाए तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो खाली ऑर्बिटल है, कौन सा खाली ऑर्बिटल है, ये डी, तो इसमें जाएगा, तो इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, डी में चला जाता है। बस ध्यान रखना 6s की ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए हमने 6s को सबसे भरा, सबसे पहले भरा, फिर 4f और 5d में 4f की ऊर्जा कम होती है इसलिए 4f को भरते हैं, जब स्पेशल केस होगा तब डी में डालेंगे, वरना 4f पहले भरेगा और उसके बाद लास्ट में भरेगा डी। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से आप निकालेंगे बनाएंगे आपको मैंने बता दिया, एग्जाम में भी आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।